भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी और दिलेर बल्लेबाज रोहित शर्मा के चाहने वालों की लाइनें लंबी हैं। हर कोई रोहित शर्मा का चाहने वाला है, उनका फैन है, उनके बल्लेबाजी का दीवाना है, उनके फील्डिंग का दीवाना है। रोहित शर्मा ने जिस तरह काफी स्ट्रगल करके अपना नाम बनाया वो बाकमाल है। आपको बता दें, रोहित शर्मा बचपन से ही क्रिकेट क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन परिवार की खर्च जो थी वो कुछ ज्यादा नहीं थी, जिसके कारण वो किसी क्रिकेट कोचिंग अकेडमी में नाम लिखाने में उस कदर पर्याप्त नहीं थे। लेकिन ये रास्ता आसान भी तो नहीं था। बड़े ही जद्दोजहद के बाद रोहित ने क्रिकेट में अपना नाम बनाया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं और उनके बाद वो वीरेंद्र सहवाग के दीवाने हैं, उनके बल्लेबाजी के कायल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रोहित शर्मा जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार वो अपना स्कूल बंक करके भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग से मिलने गए थे। जी हाँ, जब वो वीरेंद्र सहवाग से स्कूल बंक करके मिलने गए तब जाकर उनकी जिंदगी में क्रिकेट और सर चढ़कर बोलने लगा और देश के लिए खेलने का जज्बा उनके मन में पनपने लगा। और काफी मशक्कत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद रोहित शर्मा को वो मौका मिला और वो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए। और आज जिस मुकाम पर रोहित शर्मा है वो हर कोई जानता है कि किस तरीके के घातक बल्लेबाज हैं और गेंदबाजों पर तो शिकार करते हैं वो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।